अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स टेंथ में आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे। 12.18 देखते हैं हमें क्या कहता है। हाउ डज़ द कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट एंड हाउ डज डाइवर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पास जो डाइवर्जिंग लेंस है वो किसी भी सूरत में रियल इमेज नहीं बनाता। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका तो हमारे पास आंसर हो जाएगा नो, डाइवर्जिंग लेंस कैन नॉट फॉर्म द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। और ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है उसके लिए आंसर आ जाएगा पेज नंबर 51 पर। हियर वी आर, ऑब्जेक्ट जब हम प्लेस कर रहे हैं अपनी बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो जो हमारा इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12.19 हमें क्या कहता है। डिफाइन द पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट। तो पावर ऑफ लेंस को हमने डिस्क्राइब करना है। पेज नंबर 49 पर प्रोबेबली हमने किया था, एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं। यस इट इज़ पेज 49। डेफिनेशन देखी थी, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, पी इक्वल 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर्स। उसके बाद डायोप्टर के लिए डेफिनेशन हमने की थी, एस आई यूनिट ऑफ द पावर इज डायोप्टर डिनोटेड बाय डी, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यहाँ तक हो गया हमारे पास, दोनों डेफिनेशन आ गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ द लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। 46-47 पर हम लोगों ने किया था। हियर वी आर, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, पूरा टॉपिक आ जाएगा। 46 पर स्टार्ट हो रहा है और ये 47 पर एंड हो जाएगा, और साथ में ये हमारे पास डायग्राम भी आ जाएगी। रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म हमारे पास पूरा टॉपिक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कह रहा है। ड्रॉ द रे, कुछ 12.21 हम मिस कर गए थे, देखते हैं। डिफाइन द टर्म रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। तो ये समरी में हमारे पास दोनों डेफिनेशन मौजूद हैं। पेज नंबर 63 ओपन करते हैं। हियर वी आर स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर, द मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सब्टेंडेड बाई द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिक डिवाइस टू द एंगल सब्टेंडेड बाई द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। मैग्नीफाइंग पावर हो गई। रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस टू क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स। ये दोनों डेफिनेशन आपने पेज 63 से कर लेनी है, दिस वन एंड दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कहता है। ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कम ऑन टू द पेज, सबसे पहले पेज नंबर 50 देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की डायग्राम के लिए। पेज नंबर 55 पर हमारे पास आ रही है न्यू बुक्स में, ये पहली डायग्राम आ गई है 55 पर, 12.30 सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। फिर पेज नंबर 57 पर आ गई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, ये आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है। पहले फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास इमेज बना लेता है विद इन फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेंस, फिर वो वर्क करता है एज ऑब्जेक्ट और फाइनली वर्चुअल इमेज बन जाता है। और टेलीस्कोप्स के लिए हमने अपना इमेज बनाई है हेयर 58 पर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का इमेज बन जाता है एट द फोकल पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द आईपीस लेंस, नाउ इट वर्क्स एज ऑब्जेक्ट एंड फाइनली वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीनों डायग्राम्स के बाद। मेंशन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। हियर वी आर,
सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एम इक्वल थीटा डैश ओवर थीटा, और दूसरा आप इस्तेमाल करते हैं एम इक्वल थीटा डैश ओवर थीटा या वन प्लस डी ओवर एफ। फिर मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये आ गई है आपके पास एम इक्वल एल ओवर एफ नॉट इंटू वन प्लस डी ओवर एफ ई। फिर आपके पास मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की आ जाती है, फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं एफ नॉट ओवर एफ ई। तो तीनों फार्मूलाज आपने लिख देने हैं तीनों की मैग्नीफाइंग पावर्स बताने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हमें कहता है कि ड्रॉ द डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द नॉर्मल ह्यूमन आई। तो नॉर्मल ह्यूमन आई की ये हमारे पास पेज नंबर 59 पर ये वाली डायग्राम है 12.35, ये हमने ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन है पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 12.25, देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म्स नियर साइटेडनेस फॉर साइटेडनेस हाउ दे कैन बी डिटेक्ट हाउ दे कैन बी करेक्टेड। तो ये हमने की थी अपने लास्ट टॉपिक था हमारा पेज नंबर 60 के ऊपर। नियर साइटेडनेस की डेफिनेशन ग्रीन पैच में आपको नज़र आ रही है, इसकी कॉज रेड पैच में आपको नज़र आ रही है, इसका क्योर हमने कहा था कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करके आप करते हैं लास्ट पैराग्राफ में आ गए। फार साइटेडनेस की डेफिनेशन आ गई है आपके पास, फार साइटेडनेस की रीज़न आ गई है आपके पास, और नेक्स्ट पेज पर फार साइटेडनेस का क्योर आ गया आपके पास। सो ये हमने देख लिया 60, 61 एंड 62। That is end from today's topic, students. Khuda Hafiz.